से मैं थोड़ा फास्ट पढ़ने की कोशिश करता हूं कि नोटबंदी के अगले दिन जैसे ही मैं निकल के सड़क पे आया, एक भिखारी ने अपना कटोरा आगे बढ़ाया, मैंने भी बड़ी शान से 500 का नोट टिकाया, बंद हो गया। मैंने भी बड़ी शान से 500 का नोट टिकाया, नोट देख के 500 का नोट देख के भिखारी तैश खा गया, कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया। अगले ही क्षण उसने मेरी औकात को आईना दिखा दिया, मेरे मुंह पे 500 का नोट फेंक के मारा, हथेली पे 1000 का नोट टिका दिया। तब से हमारी चेतना थोड़ा थोड़ा मौन है। मैं लगातार सोच रहा हूं कि उसमें और मुझ में असली भिखारी कौन है, असली भिखारी कौन है, असली भिखारी कौन है। बाबा बंदी हुई तो एक एक करके बाबा जेल जाने लगे, तो बाबा शब्द बदनाम हो गया। हमारे घर परिवारों तक इसके आसार आए। मैं अपने घर की बात बताता हूं अनुप जी, ऐसा आसार आया कि मेरे सगे बेटे ने सगे बाप को बाबा कहना बंद कर दिया, और बाबा कह दे तो पिताजी नाराज। गणपति जी, बाबा कह दे तो पिताजी नाराज, बोले बाबा मत कहो, गलत संदेश जाता है, बाबा मत कहो, फिर क्या कहो, बोले बाप का बाप कहो। हमने बहुत अच्छे, और हमने तो फार्मूला निकाला, अपने घर में फायदा उठाया बाबा का। आप जितने शादीशुदा लोग बैठे हो, जरूरत पड़े तो आप भी फायदा उठा सकते हो। फार्मूला क्या है, सिर्फ दो पंक्तियों में बताता हूं आपको, कि आप जब कभी पत्नी हमें किसी बात को लेकर थानेदार की तरह हड़काती है, मैं बिल्कुल झगड़ा नहीं करता, बस मुस्कुरा के कहता हूं घर छोड़ के बाबा बन जाऊंगा, वो आम जनता की तरह चुप हो जाती है। हम पत्नी को लेके तंज भले करें, लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी खुल खुल के हंसा, जो भी खुल खुल के हंसा, उसका उसका घर बसा, और जिसका जिसका घर बसा उससे पूछो फिर कब हंसा। हंसने के मौके इसलिए नहीं मिलते क्योंकि महिलाओं का दिल बहुत छोटा होता है। जितनी यहां मातृशक्ति बैठी पूरी बात सुन ले, जो आपको सच्ची लगे तो मैं आपसे भी तालियां मांगता हूं, महिलाओं का दिल बहुत छोटा, पुरुषों का दिल बहुत बड़ा। अनुप जी, आपका दिल बहुत बड़ा। महिलाओं का दिल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उनके दिल में एक समय में या तो प्रेमी रहता है या पति रहता है, और पुरुषों का दिल इतना बड़ा कि पत्नी भी, पड़ोसन भी, प्रेमिका भी, पुलिस भी, पता नहीं कौन कौन। और इन बाबाओं ने इसका फायदा भी उठाया। कैसे गरीब बाबा सलाह देते हैं, आप समस्या लेके जाओ, ऐसी सलाह देते हैं कमाल। आपको आनंद के लिए दो तीन घटनाएं बताता हूँ, ठाके लगाना, और मुझे मालूम आप ठाके लगाएंगे। एक 35 साल का नौजवान चला गया बाबा के दरबार में, बोले बाबा 35 साल का हो गया हूँ, शादी की एक्सपायरी डेट भी खत्म हो गई, शादी नहीं हुई, कृपा कीजिए। बाबा ने सवाल किया, पूछा, जेब में किसका फोटो डाल के चलती हूँ? जी बाबा, राहुल गांधी जी का। अब सलाह सुनना, बोले जेब में किसका फोटो डाल के चलते हो? जी बाबा, राहुल गांधी जी का। बोले बेवकूफ, दिग्विजय सिंह का डाल के चल, बुढ़ापे तक होती रहेगी। और कमाल की फोटो बदली, शादी हो गई, लेकिन 3 साल तक कोई संतान नहीं हुई। तो फिर बाबा के पास, बोले बाबा 3 साल हो गए शादी के, आंगन में तिलकारी नहीं फूटी, अभी तक पत्नी की गोद नहीं हरी हुई, कृपा कीजिए। तो बाबा ने फिर पूछा, अच्छा अच्छा बच्चा रो रहा है, मुझे लगा जैसे किसी पति की आवाज आ रही है, जब पति भजन में होता तो ऐसी ही आवाज निकलती है। समझ लीजिए, तो बाबा के पास भी पहुंच गया, झगड़ा हो गया, तो बाबा के पास पहुंच गया। बोले बाबा, 3 सालों में शादी की, 3 सालों में शादी की, अभी तक गोद नहीं हरी हुई, कोई संतान नहीं हुई, कृपा कीजिए। तो बाबा ने फिर सवाल पूछा, बोले बेडरूम में किसका फोटो लगा रखा है? अब जवाब सुनना, बोले बेडरूम में किसका फोटो लगा रखा है? बोले बाबा, माननीय नरेंद्र मोदी जी का। अब सलाह सुनना, आपकी तालियां भी उठेंगी, ठाके भी निकलेंगे। बोले बाबा, नरेंद्र मोदी जी का। बोले बेवकूफ, लालू यादव का लगा यार, धीरे धीरे ठीक गया। अगले आदमी ने फोटो बदली, असर उल्टा हो गया, झगड़ा हो गया आपस में, बहुत झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो फिर बाबा के पास, सारे समाधान बाबा के पास। बोले बाबा, 3 साल हो गए शादी के, एक दिन नहीं पटी, रोज का रोज झगड़ा करे तो क्या करें? तो बाबा ने फिर सवाल किया कि तूने अपनी पत्नी के हाथ के बनाए हुए खाने की कभी तारीफ की? बोले बाबा, नहीं की।
कपा वहीं अटकी हुई है। हंसने वाली बात ये नहीं, अगले दिन पत्नी ने दो पराठे रखे नाश्ते में सुबह सुबह, पहला कौन उन्हें रखा पट्टे को बाबा की बात ध्यान आ गई, शुरू हो गया, बोले वाह वाह क्या पराठे बनाए, कितने लजीज, कितने स्वादिष्ट, कितने मुलायम, ऐसे पराठे तो जिंदगी में नहीं खाए, मन करता जिन हाथों से बनाए और हाथों को चूम लू। पत्नी ने तो झापड़ लगाए, बोले बेवकूफ पति, 3 साल से खाना खिला रही, एक दिन तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दो पराठे फेंक दिए तो हाथ चूमने की चले।